हालेलुया। इस सिस्टर का नाम सर्प जी थे और इनके हस्बैंड इनके साथ हैं जो, और इनके गवाही जे जिस सिस्टर बता रहे कि जब परमेश्वर ने इनको वॉलंटियर की सेवा दी थी और जब बता रहे कि जैसे जब इनको सेवा मिली तो जे बहुत खुश हुए थे कि जे परमेश्वर ने इनको सेवा दी वॉलंटियर की। और उस समय से जे बता रहे कि जे लगातार 6 महीने हो गए थे कि चाहत करते थे कि परमेश्वर मेरे हस्बैंड को भी सेवा दे चुकी हो वॉलंटियर की, और लगातार जो विश्वास कर रहे थे। जब इनको 3 महीने हुए थे इस बहन को सेवा मिली थी वॉलंटियर की, अभी तो 6 महीने हो गए लगातार। जब माइक किन्हें दो, ये सारा कुछ आप खुद ही बताएंगी। आप जो मैं पूछता जाऊंगा आप बताते हैं। जब आपको सेवा मिली, पहले आप अपने जीवन के बारे बताओ कि जब परमेश्वर ने आपको यहाँ पे अपनी सेवा के लिए बुला लिया तब आप क्या करते, थोड़ा बताओ। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। पापा जी, जब मैं परमेश्वर ने इतने सेवा ली बुला लिया ही तो मेरी बड़ी चाहत ही पी मैं दिल तो सेवा नु करा। ते फिर पापा जी मैं भी बढ़िया, क्योंकि ये भी यहाँ पे वॉलंटियर की सेवा करते हैं। हाँ, तो उस जब आप सेवा में आए तो पहले आप कुछ कोई काम भी करते थे? हाँ जी पापा जी। अच्छा, करांदा काम कर, कुछ घरों का काम करते थे? हाँ जी पापा जी। फिर पापा जी जब मेरे सेवा मिली फिर मैं छोड़ देता ही काम। नहीं, क्या? नहीं, छोड़ने का कारण क्या है? क्या वो छुट्टी नहीं देते थे? हाँ जी पापा जी, हर एतवार की छुट्टी नहीं ही देंदे। हाँ, तो जब सेवा मिल गई तो उन्होंने उस काम को भी छोड़ दिया कि नहीं, जो काम खुदा ने मुझे दिया मैंने वो करना है। अच्छा, फिर आपने कहीं और ट्राई नहीं किया काम के लिए? कीता ही पापा जी बहुत जगह, पर छुट्टी नहीं कोई मिलती। मतलब बहुत जगह आपने ट्राई किया काम के लिए? हाँ जी पापा, पर छुट्टी मतलब संडे की छुट्टी नहीं मिलती थी? नहीं पापा जी। कितनी जगह ट्राई किया? मैं 2-3 जगह ते ट्राई कीता ही, सैलरी तो उत्थे हैगी ही, किते 10 ही किते 12 ही। अच्छा, पर यही भी छुट्टी नहीं हैगी। मतलब 10-12 हजार आपकी सैलरी के लिए काम आपको मिल रहा था पर संडे छुट्टी नहीं मिली। हाँ, इसलिए अब जो भी काम मिलता था आप छोड़ी जा रहे थे? हाँ जी पापा जी। देख लो, ये है परमेश्वर के लिए एक सच्चा मन। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी क्या आपके मन के अंदर चाहत आई, क्या आपके अंदर विश्वास है कि? मेरी चाहत यही पापा जी भी मैं परमेश्वर ने सानू किड्डे नरक दे विच्चों सानू बाहर कढ़िया ते कितना वधिया सानू जीवन दिता वा, ते हुण परमेश्वर ने सानू सेवा भी दिती अपनी, ते ही उस सेवा नू मन तो करी। आपको तो सेवा मिल गई, आपके अंदर क्या चाहत थी जैसे आपको सेवा मिल गई यहाँ पे? मेरी चाहत थी भी मेरा परिवार भी सेवा च होवे। पूरा परिवार आपका सेवा में आए? हाँ जी। अभी आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी एक बेटी एक बेटा थे। बेटी क्या करती यहाँ पे सेवा में? वर्शिप में है। हाँ। अच्छा, जी। और आपका बेटा? बेटा मीडिया में। मीडिया में? हाँ जी पापा जी। ओके, तो फिर ये जो आपके साथ खड़े हैं आपके पति हैं? ये वॉलंटियर टीम के पापा जी। ये भी हो गए हैं? हाँ जी। हाँ, तो सुनो सारे ध्यान से। हाँ, अब बताओ इनकी पति के बारे बताओ अभी जो आपने लिखा है। हाँ, तो जैसे इस ब्रदर को भी परमेश्वर ने वॉलंटियर की सेवा दी, तो जो बता रहे हैं कि जब 25 दिसंबर की सेलिब्रेट को करना था क्रिसमस को, तो जो बता रहे कि उस समय इन्होंने अपने फैक्ट्री में 7 साल से जो काम कर रहे थे, तो वहां पर मालक से इन्होंने बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं अभी ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। और जैसे इन्होंने छुट्टी मांगी तो उन्होंने संडे की सिर्फ बोला कि आपको 2 ही छुट्टियां मिलेंगी, अगर आप ज्यादा करोगे तो सैलरी से हम पैसे काट लेंगे। तो जैसे इन्होंने बोला कि फिर इन्होंने कुछ समय, इन्होंने 2 महीने से अपनी 2 छुट्टियां कर रहे थे और सैलरी से पैसे भी वो काट रहे थे। पर जैसे फिर गुड फ्राइडे की मार्च में गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया जाना था, फिर उस समय फिर से इन्होंने जब फैक्ट्री का मालक था उससे बात की कि अब मुझे हर संडे की छुट्टी चाहिए, और जैसे कि पहले 2 ही देते थे पर मैं खुदा की सेवका ही कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ तो मैं हर संडे छुट्टी चाहता हूँ। तो जैसे फिर वो मालक था, वो पहले तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं कोई नहीं दे सकता, तो क्योंकि जितने भी फैक्ट्री की जिम्मेवारी थी इस भाई के पास थी, फैक्ट्री को बंद करना, फैक्ट्री को खोलना, फैक्ट्री की जो चाबियां थी इनके भी पास रहती थी। तो जैसे इन्होंने फिर बोल दिया फैक्ट्री के मालकों को कि जेली आपकी चाबियां और आप अपना देख सकते हो, फिर मैं अपना काम देख लूंगा, और पर मैं प्रभु की हजूरी में
जाना चाहता हूँ और मुझे छुट्टी हर संडे की चाहिए। तो जैसे फिर इन्होंने उनको बोल दिया और अपने घर आ गए, इन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। तो जैसे फिर इनको मालिक का कॉल आई, फोन आया, तो इनको बोला गया कि आपको, आप फैक्ट्री में आए और मुझसे मिले। और जब इनसे फैक्ट्री का मालिक फिर से इनकी बात हुई, तो उसने इनको कहा कि आप दो छुट्टियां नहीं, आपको हर संडे ही हम फैक्ट्री बंद कर देंगे और जितने भी वर्कर काम करते सबको ही छुट्टी होगी। आप फैक्ट्री में कोई संडे भी आप फैक्ट्री में नहीं आओगे। और जैसे इनकी चाह थी, इनकी चाह से परमेश्वर ने फैक्ट्री को हर संडे ही मालिक के मन को बदल दिया और जो बता रही कि अभी हर संडे फैक्ट्री बंद रहती है और जो अपने काम पर नहीं जाती और लगातार ही जो चर्च में आ रहे हैं, मीटिंग को अटेंड कर रही हो, जो परमेश्वर ने इनको वॉलंटियर की सेवा दी, बड़ी वफादारी के साथ जो परमेश्वर की सेवा को कर रहे। पर सच में कलीसिया जैसी इन्होंने चाहत की अपने काम को भी जो छोड़कर अपने घर आ गए थे, पर सच में आज परमेश्वर ने इनको जो बता रहे कि 2 महीने से प्लस टाइम हो गया कि कोई भी वर्कर काम पर नहीं जाता, हर संडे फैक्ट्री बंद होती है और इनको भी छुट्टी मिल गई और बाकी के जो वर्कर है वो भी घर होते हैं। और प्लस जी बता रहे कि आज तक कोई भी फैक्ट्री में छुट्टी नहीं आती, जैसे कि हर फैक्ट्री में ऐसे मंडे की छुट्टी होती है जहाँ पर मंडे की भी छुट्टी नहीं थी मिलती, पर जैसे इन्होंने बात की तो जी बता रहे सबको ही छुट्टी मिल रही है। और इस गवाही के लिए जी परमेश्वर, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सुनो, ये इनकी चाहत पता कैसे होगी, इनका विश्वास और इनकी चाहत एलिजा जैसे। हाँ, देख लो इनके अंदर जो प्रेम था परमेश्वर के लिए, अपनी सेवा के प्रति, इन्होंने अपने उस काम को इतनी अहमियत नहीं दी जितनी अहमियत उस परमेश्वर को दी। हाँ, अभी तो इनकी पत्नी के पास भी काम नहीं है। हाँ, अगर इनसे भी काम छूट जाता, वो कहता ठीक है जाओ जी, तो और मुश्किल हो सकता था। इन्होंने अपनी उस विश्वास और चाहत में डर नहीं रखा जैसे कुछ लोग डर रखते हैं। हाँ, इन्होंने डर रखकर नहीं ऐसे कुछ किया, चाह से, शास से, प्रेम से, ठीक है ये लो अपनी चाबियां, क्या लो, ये लो अपनी चाबियां लो, ठीक है फिर नहीं देनी छुट्टी संडे तो ये रखो, मैं अपना काम कहीं और देख लूंगा। इसकी चाहत और विश्वास ने पूरी फैक्ट्री को बंद करा दिया। हर संडे जितने ये वहां पे वर्कर है सबको छुट्टी होती है। देखो बोलो क्या है ये, देखो मैं इसीलिए कहता हूं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है, बोलो क्या है, पर ये निर्भर आपके ऊपर करता है आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या चाहत है, आपका क्या प्रेम है उस परमेश्वर के साथ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके अंदर था, बोलो क्या है, इन्होंने अपने घर की परवाह नहीं की। अगर हो गई हमारी तो इतनी किस्तें जाती हमारे ऊपर कर्ज है पहले ही ऐसे है तो कैसे होगा ना, बोलो क्या है, पूरी फैक्ट्री इनकी चाहत से बंद होगी। तो आप बताओ थोड़ा इनके बारे, आपकी चाहत की वजह से परमेश्वर ने अपनी सेवा के काम के लिए तो चुन लिया और आज इनके विश्वास से भी खुदा ने बड़ी महिमा को प्रकट कर दिया। ऐसा होता नहीं है कोई मालिक के एक आदमी की वजह से ऐसे सब वर्करों को छुट्टी देगा, पर इसकी चाहत से हो गया। क्या हो गया, क्योंकि ये बंदा वहां पे फोरमैन है, मेन है, समझ आ रही है। थोड़ा सा आप ये बताओ, जब आप नए नए प्रभु में आए थे तो आप इनके जीवन के बारे थोड़ा बताओ। पापा जी ये बहुत नशा करते होंगे। किस चीज का नशा करते थे? दारू दा पापा जी। हाँ, दारू का नशा करते थे, रोज पीते थे। हाँ जी पापा जी। अच्छा, नशा करके फिर क्या करते थे? घर च खराबी बड़ी कर देंदे पापा जी। खराबी करते थे? घर च खराबी ऐदा करनी भी जिया नू भी इन्हां बहुत परेशान करना, ते घर दीआं चीजां भी कोई रहण नहीं दिंदे होंदे, तोड़ बन दिंदे होंदे। अच्छा, पीकर धोड़ बन
तोड़पन करते सी हां जी पापा जी और लड़ते भी हां जी पापा जी ओके तो ये कितना समय रहा जब आपकी शादी हुई पापा जी 10-12 साल तो वादी हो गए ही 10-12 साल से ऐसे चल रहा था हां जी और आप बड़े परेशान थे हां जी पापा जी आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी नहीं पापा पर फिर आप यहां पे आए हां जी पापा जी अपनी परमेश्वर के वचन के उस सत्य की उस वचन की सच्चाई को समझा हां जी कि परमेश्वर अगर इतनी गवाहियां मैं सुन रही हूं इतने काम सुन रहा हूं हां तो क्या परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं करेगा मेरे पति के जीवन में नहीं करेगा तो अपने विश्वास रखा हां जी पापा फिर अपने विश्वास ये भी रखा और ये भी चाहत रखी कि परमेश्वर मेरा पूरा परिवार क्या है तेरी सेवा करे उसी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है बोलो क्या है ये उसी की वजह से इसके जीवन में ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ है देख लो एक बंदा 10-12 साल से उसका जीवन कैसे था लग गया होंदे नु चर्च आंदे बावजूद ना 6 महीने पीती ही बाद च नहीं पीती उसके बाद नहीं मतलब 3 साल पहले 6 महीने पीते रहे जब नए नए आए पर उसके बाद नहीं कह लो के 2.5 साल हो गए कभी शराब को मुंह भी नहीं लगाया नहीं पापा जी तारीफ करो जोर से बटे कम होने के बटे बटे कम होने के बटे कम होने के बटे बटे कम होने के जट कर गई मान खुदा दे जट कर गई मान खुदा दे जट कर गई मान खुदा दे बताना चाहते थोड़ा लोगों को बताओ कि आपके घर में अभी कैसा है पापा जी कैसा लगता है अभी आपका घर आपको बहुत बढ़िया पापा जी शांति वाला जीवन है हर कर जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे जो स्वर्ग है खुदा का वो तुम्हारे घर में ही आ गया हां जी पापा जी ऐसे स्वर्ग लग रहा है ना अभी हां जी पापा जी शांति है खुशी से खाते पीते हैं हां जी पापा जी पूरा आनंद है हां जी पापा जी पूरा आपकी लाइफ में आनंद है हां जी पापा कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी ये आनंद आए यहां पे कुछ बहनें बैठी कुछ माएं बैठी जिनके जिनके बच्चे ऐसे हैं जिनके पतियों के जीवन में ऐसे हैं हां पर परमेश्वर पक्षपात नहीं करता पर इसकी चाहत और इसके इशारे से देख लो पूरा घराना खुदा ने बचा लिया हां बचा भी लिया और पूरे घराने को खुदा की सेवा में लगा दिया है जब शुरू में आए तो ये अकेले सेवा करते थे और इनकी चाहत थी कि मेरा पूरा परिवार सेवा करे तुम क्या चाहते हो मैंने कहा तुम क्या चाहते हो तुम क्या चाहते हो क्या तुम भी परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो हां चाहते हो तो आज से अपने मनों को और भी तैयार कर लो क्योंकि परमेश्वर सच्चा है क्योंकि मांगने से और विश्वास करने से सब कुछ होता है क्या होता है जैसे इनके साथ हो गया तारीफ कर दो एक बार फिर से और से।